आगरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 9 बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश और दरोगा के लगी गोली। थाना खनौली के मुड़ी चौकी के पास हुई मुठभेड़, 9 बदमाश गिरफ्तार। लंबे समय से बड़ी घटना को देने की फिराक में थे। हथियार सर जी, आज मुठभेड़ हुई है गढ़ी रामबक्स पे आवलखेड़ा क्षेत्र में, ये किस संबंध में मुठभेड़ हुई है, क्या मामला था पूरा? थाना खंदौली, यहाँ पे जो जलेसर रोड है आगे मुड़ी चौकी पे, वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें कई अभियुक्त सवार थे, वो चेकिंग दौरान सामने आए। पुलिस की गाड़ी को देख के तुरंत इन लोगों ने यूटर्न मारा और पीछे भागने लगे। वहीं आसपास में थाना बरहन की भी टीम गश्त कर रही थी, तो थाना बरहन और थाना खंदौली की टीम ने, इन दोनों लोगों ने इन जो स्कॉर्पियो है इसको इंटरसेप्ट किया। स्कॉर्पियो को इंटरसेप्ट जब किया गया तो स्कॉर्पियो में बैठे जो अभियुक्त थे इन लोगों ने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया और उस फायर में एक अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लगी। जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी उसका नाम है वर्दी उर्फ गोपाल। इसके ऊपर तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये थाना अचनेरा में एक मुकदमे में ये वांछित भी चल रहा है। इन पूरे गैंग के जितने भी सदस्य हैं पूरे सबको मिला के तकरीबन 4 अवैध असलहे बरामद हुए हैं और 1 दर्जन के आसपास इनके पास कारतूस हमें बरामद हुए हैं। बाकी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसी इस तो पूरे मुठभेड़ में हमारे एक दरोगा जी राहुल कटियार हैं, उनको भी चोट लगी है, उनको अस्पताल भेज के, उनको और हमारे ये जो अभियुक्त है दोनों को तत्काल अस्पताल भेज के इनका इलाज कराया जा रहा है। सर कितने अपराधी थे जो गाड़ी में आए थे? टोटल 9 अभियुक्त थे गाड़ी में और उसका नाम बता, सारा डिटेल आपको अभी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू। Right, Lou?